हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बरसात, उत्तर पूर्वी जिला सहारा और साउथ दिल्ली के इलाकों में सड़कों पर भरा पानी, धसी सड़कें। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी जिला के सेलमपुर विधानसभा की हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि सोमवार की दोपहर 12:40 पर बरसात चालू हुई थी, जो कि दिल्ली एनसीआर में हुई है। जैसे ही बरसात बंद हुई तो उसके बाद सड़कों पर पानी भरा हुआ देखने को मिला। यहाँ देख सकते हैं कि सोमवार की दोपहर बरसात हुई 12:40 पर, जो कि 2:30 तक बरसात रही और इतनी देर में इलाकों में पानी भर गया। यह शास्त्री पार्क का एफ ब्लॉक है, जो कि सेलमपुर विधानसभा में आता है। इस रोड पर गवर्नमेंट स्कूल और बीएसएस का ऑफिस भी है, जो पूरा रोड पर पानी भरा हुआ है। वही मैं आपको दूसरा नजारा सहारा जिला के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर का दिखा रहे हैं, जो कि शमशान घाट हाईवे है, इधर भी पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। वहीं साउथ दिल्ली की बात करें तो साउथ दिल्ली के त्रिलोकचंद शर्मा मार्ग पर पानी भरा, जिससे कि सड़क 10 से 15 फीट धस गई। सुने बाइट स्थानीय जनता की। आपका मोहम्मद इरफान जी, सड़क कब फंसी थी? ये बारिश हो रही थी उस टाइम फंसी है। कितने बजे? 12:30 के टाइम पे जब ये बारिश चालू हुई है, कभी खूब तेज बारिश हुई जब हुई है। नहीं, गाड़ी फंसे, वो हेल्प करी है उसके सरदार जी थे, उनका पहिया फंस गया, उनको रोकते रहे जब तक उन्होंने कर दिया अंदर को। कार की गाड़ी? हाँ, कार थी।